सभी को नमस्कार आशा है आप सब ठीक से होंगे अब तो लॉकडाउन में रहने की आदत भी होगी चलिए आज चैप्टर शुरू करते हैं <coughs> मुद्रा और बैंकिंग ये चैप्टर यूनिट टू है और हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स बुक का चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की सिक्स मार्क्स का चैप्टर है छः नंबर इस चैप्टर से होंगे पेपर में अस्सी नंबर का आपका पेपर होता है तो उसमें से छः मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से होंगे इजी चैप्टर है थोड़ी सी तैयारी से ही आपके छः नंबर पूरे हो जाते हैं तो यदि आप स्कोरिंग स्टूडेंट्स हैं आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सलेबस की तो सलेबस में इसका सलेबस दिया हुआ है ये सलेबस मैं वो वाले सलेबस की बात करूँगा पहले जो हमारा सी का शुरू में दिया था अब 30% परसेंट सिलेबस कट जाने के कारण थोड़ा सा सिलेबस इसमें से काटा है वो क्या कटा है वो भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि फिर भी वो हमें क्यों पढ़ना है चलिए बात करते हैं सिलेबस की तो मनी मुद्रा इसका मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी मुद्रा का अर्थ और इसकी पूर्ति मुद्रा की पूर्ति करंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड ये फॉर्मूला है मनी सप्लाई का आगे पढ़ेंगे हम डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स कॉमर्शियल बैंक व्यवसायिक बैंकों के बारे में हमें पढ़ना है मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम जो व्यावसायिक बैंक हैं ये बैंक मुद्रा का सृजन कैसे करते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसके अलावा सेंट्रल बैंक अर्थात हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक क्या है और इसके क्या फंक्शंस हैं क्या कार्य हैं फॉर एग्जाम्पल ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक है इसके अलावा कौन कौन से कार्य पढ़ने हैं हमें इसमें बैंक ऑफ इश्यू गवर्नमेंट बैंक बैंकर्स बैंक कंट्रोल ऑफ क्रेडिट ये इसके कार्य पढ़ने हैं तो रिवाइज सिलेबस जो इस साल 2021 के सिलेबस के लिए सीबीएसई ने काट के दिया है वो यहां तक है इससे पहला सिलेबस उसमें ये चीजें जो मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखी हैं बोल्ड इंक में लिखी दिखी दिख रही हैं आपको ये भी हैं लेकिन ये यहाँ से काटी हैं और यूनिट थ्री में जोड़ दी हैं तो बेटर है हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे क्योंकि यूनिट थ्री में ये एडिड पोर्शन हो गया है तो उस एडिड पोर्शन को दोबारा से पढ़ने के बजाय हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ हम ठीक से समझ लेंगे तो इसमें है थ्रू बैंक रेट के क्रेडिट को कंट्रोल कैसे कर, करते हैं बैंक रेट से सी से एस एल आर रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन्स मार्जिन रिक्वायरमेंट इन सारी चीज़ों के बारे में हम भले ही ये सिलेबस से कट गई हैं लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे क्यों पढ़ेंगे क्योंकि ये इस यूनिट से काटी हैं लेकिन यूनिट थर्ड में ये जोड़ दी गई हैं समझ आई बात तो हमारे लिए तो पेपर में आनी ही हैं ये चीज़ें और इनके बिना चैप्टर ठीक से क्लियर होगा भी नहीं और यूनिट सेकंड और थर्ड दोनों ही यूनिट को हम समझने के लिए हमें इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है और वैसे भी ये हमारी जनरल चीज़ें हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी में क्या चल रहा है आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि रेपो रेट में कमी कर दी सेंट्रल बैंक ने रिजर्व बैंक ने है ना? ये कर दिया वो कर दिया तो ये चीज़ें बैंक रेट में कमी करी तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमें जानना वैसे भी जनरली भी ज़रूरत पड़ती है तो हम शुरू करते हैं चैप्टर चैप्टर शुरू करने के लिए सबसे पहला टॉपिक मुद्रा मनी मनी या मुद्रा होता क्या है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पैसा हम कह देते हैं जी पैसे होते हैं मुद्रा है ना तो मुद्रा क्या मैं ये मुद्रा मैं अपने यहाँ के नोट इंग्लैंड में ले जाऊँ अमेरिका में ले जाऊँ वहाँ कुछ चीज़ इन पैसों से खरीदने लगूँ मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी वहाँ की मुद्रा अलग है तो इसका मतलब ये जो कागज़ का एक मेरे पास टुकड़ा है ये मुद्रा कब है? है ना अभी आपने सुना था नोटबंदी हुई थी डिमोनिटाइजेशन उसमें पाँच सौ रुपये का और एक हज़ार रुपये का नोट बंद कर दिया गया अब मैं एक हज़ार रुपये का वो पुराना नोट यदि मेरे पास बाई चांस हो और उसको मैं बाज़ार में लेके जाऊं तो क्या वो उससे मुझे सामान मिल जाएगा नहीं मिलेगा लेकिन डिमोनेटाइजेशन से पहले यदि मैं उसको लेके जाता और सामान लेता तो तो मिल जाता तो ऐसा क्या चेंज आया क्या ए, उसमें नोट तो वही है कागज भी वही है लेकिन क्या चेंज आया कि वो अब मुद्रा नहीं रहा तब मुद्रा था तो ये हम मुद्रा की परिभाषा में थोड़ी सी चीजें देखेंगे मुद्रा वह है, है जो सामान्यतया विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है पहली चीज विनिमय का माध्यम विनिमय का अर्थ व्यापार लेन देन मैंने सामान दिया आपको आपने मुझे कुछ पैसा दिया मुद्रा नोट दिया वो मुद्रा है या मैंने आपको कुछ रुपए दिए उसके एवज में आपने मुझे सामान दिया मीन्स लेन देन के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है सभी लोग स्वीकार करें अभी उसको वो जो डिमोनेटाइजेशन में एक हजार का नोट बंद हुआ अब वो स्वीकार नहीं किया जाता इसलिए वो मुद्रा अब नहीं है मुद्रा मूल्य की मापक होती है मूल्य का मापक का क्या अर्थ है कि हम उसमें अपनी वस्तु का मूल्य बता सकते हैं थोड़ा सा एक थोड़ी सी बात करते हैं हम पांच मिनट के लिए कि जब मुद्रा नहीं थी तब दुनिया में क्या हो रहा होगा हमारे देश में हमारे समाज में कैसे कर रहे होंगे तब बार्टर सिस्टम था वस्तु विनिमय प्रणाली थी अर्थात वस्तु के बदले वस्तु बदली जाती थी मेरे पास चावल ज़्यादा हैं दूसरे के पास गेहूं ज़्यादा है मैंने उसको कुछ गेहूं दे दी चावल दे दिया बदले में क्योंकि मुझे गेहूं की आवश्यकता थी बदले में उससे गेहूं ले लिया तो वस्तु से वस्तु को बदला जाता था लेकिन वहाँ आप अपनी वस्तु का मूल्य नहीं बता सकते थे उसमें ये बहुत बड़ी समस्या थी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गाय है उस गाय का मूल्य क्या होगा क्या मूल्य बताऊं मैं दस क्विंटल चावल या पंद्रह क्विंटल गेहूँ या पचास जोड़ी जूते है ना कोई एक मूल्य नहीं बता सकता ना मैं तो मूल्य की मापक होती है अब मैं अपनी गाय का मूल्य बता सकता हूं जी ये चालीस हज़ार की है या पचास हजार की है मेरे पेन की मेरे इस पेन की कीमत पाँच रुपये है मेरी इस किताब की कीमत पचास रुपये है अर्थात मैं सभी चीज़ों को मुद्रा के रूप में उनको मूल्य मूल्यांकित कर सकता हूँ तो मूल्य की मापक इकाई का अर्थ समझ आ गया कि मुद्रा मूल्य की मापक होती है मूल्य का संग्रह करती है संग्रह दो बार लिखा गया बेटा मूल्य का संग्रह करने का मतलब क्या है कि पहले के मूल्य का आप हम क्या संग्रह करते हैं रुपए संग्रह कर लेते हैं अपने बैंक में पैसे जमा कर देते हैं जो मान लीजिए किसी वक्त हमारे पास पैसों की ज़्यादा आवश्यकता है जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा की आवश्यकता है तो हम उन पैसों को निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन पहले क्या होता था कि हम क्या संग्रह करेंगे यदि मुद्रा नहीं है हमारे पास तो मान लीजिए मेरे पास गेहूँ है तो मैं किसका संग्रह करूँगा गेहूँ का संग्रह करूँगा है ना चावल है चावल का संग्रह करूंगा लेकिन ये एक साल में दो साल में खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं क्यों क्योंकि वस्तुएं विनाशशील होती हैं वस्तुएं समय के साथ खराब हो जाती हैं तो उनका उनकी कीमत घट जाएगी यहां हम रुपए को बैंक में जमा कर देते हैं मान लीजिए आज मैंने दस हजार रुपये जमा किए तो समय के साथ वो खराब नहीं होंगे दस हजार ही रहेंगे स्थगित भुगतानों के मापन की इकाई तो मूल्य का संग्रह अर्थ समझ आ गया थर्ड इज इस स्थगित भुगतानों के मापन की इकाई होती है स्थगित भुगतान अर्थात ऐसे भुगतान जिनको हमने आगे के लिए वादा किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल किसी पुल को बनाने का ठेका छुटता है पाँच हजार पाँच साल के लिए ठेका छुटता है या आपको छोटी वस्तु ले लो कि मैंने आपसे आज कुछ वस्तु ली और मैंने कहा कि भाई पा ये इस जो मान लीजिए मुद्रा नहीं है उस समय मैंने कहा कि मैं आपको इसके बदले में चावल दे दूंगा दस क्विंटल और लेकिन तीन साल में दूंगा थोड़े थोड़े करके पता लगा तीन साल बाद चावल तो इतना उत्पादन हो गया कि चावल की तो कीमत ही नहीं रही अब वो कहता है जी चावल से तो अब बात नहीं बनेगी अब आप मुझे गेहूँ दो तो वहाँ गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा हैं यहाँ रुपया है तीन साल बाद भी उतने रुपये देने हैं एक साल बाद भी उतने देने हैं तुरंत भी उतने देने हैं तो स्थगित भुगतान के मापन की इकाई होती है ये सारे गुण जिसमें है वो मुद्रा कहलाएगा भारत की मुद्रा का नाम क्या है रुपया आ, एक रुपये का नोट देखा है आपने इस पर साइन होते हैं वित्त सचिव के और इससे अलावा जितने भी नोट होते हैं रुपये पचास ले लो सौ ले लो पाँच सौ ले लो दो हज़ार ले लो दस रुपये ले लो बीस रुपये ले लो इन सब पे साइन होते हैं किसके गवर्नर आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तो ऐसा क्यों होता है एक रुपये के नोट पे वित्त सचिव के साइन बाकी सारे नोट पे किसके साइन गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइन ऐसा क्यों होता है ए, इसके बारे में आप विचार करना अगली कुछ लेसन में अगला जब क्लास होगी तो मैं, मैं भी आपको बताऊंगा ये बात चलिए जी अब बात करें मुद्रा के रूप मुद्रा किस किस रूप में होती है आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है जो सरकार ने अपने आदेश से जो सरकार छाप रही है जैसे नोट हैं सिक्के हैं ये सारे कौन छापता है सरकार छापती है आप और मैं तो नहीं छाप सकते बैन है तो ये सारी मुद्राएं क्या कौन सी मुद्राएं कहलाएंगी आदेश मुद्रा और जिसे सरकार छाप रही है उसको उसको आप मना नहीं कर सकते लेने से मान लीजिए आप एक रुपये की कोई वस्तु देते हैं और एक रुपये का सिक्का दुकानदार को देते हैं और दुकानदार कहता है जी नहीं मुझे सिक्के नहीं चाहिए तो वो मना नहीं कर सकता कानूनन उसको भारतीय मुद्रा स्वीकार करनी ही पड़ेगी चाहे वो दस का सिक्का है, चाहे वो एक रुपए का सिक्का है चाहे वो पाँच सौ रुपये का नोट है इसमें सभी नोट और सिक्के सम्मिलित होते हैं जिसे देश के लोग उस देश में ये भी दो बार आ गया कानूनी तौर पर विनिमय के माध्यम में माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं समझ आई आदेश मुद्रा कानूनी रूप से जो मैंने आपको अभी बताई दुकानदार मना नहीं कर सकता कानूनी रूप से विनिमय के माध्यम के लिए स्वीकार करना ही होगा उसे तो ऐसी मुद्रा कहलाती है आदेश मुद्रा आदेश का मतलब जो सरकार के आदेश से जारी की जाती है दूसरी मुद्रा न्यास मुद्रा फिड्यूसरी मनी वह मुद्रा होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है क्योंकि यह प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच विश्वास पर आधारित होती है केवल आपस में विश्वास है इसलिए सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती कौन सी जैसे चेक है ना हम लेन देन के लिए बैंक का चेक भी दे देते हैं ना एक दूसरे को मैंने मैंने किसी व्यक्ति को एक हजार रुपये का चेक दे दिया कि भाई जा बैंक से ले लेना पैसे करते हैं ना वैसा तो वो चेक कौन सी मुद्रा है न्यास मुद्रा उस चेक की अपनी कीमत नहीं है उस चेक पे जितना मैं लिखूंगा उतने का ही चेक हो जाएगा वो ये केवल मेरे प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता मैं अदा करता हूँ मैं दे रहा हूँ एक्स व्यक्ति को दे रहा हूँ वो प्राप्त करता हो गया एक्स तो इन दोनों के बीच पे विश्वास पे आधारित है यदि उसका मेरे मेरे पे विश्वास है कि भाई ये चेक ठीक दे रहा है इसके खाते में पैसे होंगे तो ही वो लेगा वरना तो वही कह देगा कि नहीं भैया मुझे चेक नहीं चाहिए मुझे तो कैश दे दो तो ये दोनों के बीच विश्वास पर आधारित है इसलिए इसको न्यास मुद्रा बोलते हैं पूर्ण काय है मुद्रा फुल बॉडी मनी यह वह मुद्रा होती है जो सिक्कों के रूप में होती है सिक्के, सिक्के जितने भी सिक्के हैं, वो सारे कैसी मुद्रा है फुल बॉडी मनी क्यों क्योंकि जब यह मुद्रा जारी की जाती है तो इस वस्तु मूल्य इसका वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है एक रुपए के सिक्के में जब वो जारी किया गया है एक रुपए की धातु लगी होती है तो उसको मैं यदि गला दूं तो उसमें से कितनी धातु निकलेगी एक रुपए की तो उसकी कीमत वास्तव में उसका मूल्य भी एक रुपए ही है और उसका अंकित मूल्य भी एक रुपए ही समझ आई बात के जब यह मुद्रा जारी की जाती है तो इसका वस्तु मूल्य वस्तु मूल्य मूल्य मीन्स कि उस सिक्के को मैं जितने धातु या जितना मेटीरियल लगा हुआ है जो तो भी सामान उसमें लगा हुआ है उसका मूल्य उसके मौद्रिक मूल्य मौद्रिक मूल्य जो उस पर लिखा हुआ है जितने रुपए में वो चल रहा है एक रुपए का सिक्का एक रुपए में चल रहा है तो एक रुपए की ही उसमें धातु लगी हुई है दो रुपए का सिक्का दो रुपए उसका मौद्रिक मूल्य है तो दो ही रुपए उसका वस्तु मूल्य भी है उसमें दो रुपए की धातु है जैसे अंग्रेज़ों के शासनकाल में एक रुपये का चांदी का सिक्का ये बेस्ट एग्जाम्पल है आजकल सरकार थोड़ा सा ये क्योंकि हम क्या कर रहे थे पहले आपने आपको ध्यान हो दो रुपये का एक, एक रुपये का भी एक बड़ा मोटा सा सिक्का आता था, था। गिलठ का सिक्का बोलते थे हम उसे जिस समय वो रिलीज़ हुआ था उस समय सरकार ने उसमें एक रुपये की धातु लगाई समय के साथ महंगाई बढ़ी उस धातु की कीमत एक के बजाय डेढ़ रुपये या दो रुपये हो गई तो लोगों ने क्या किया वो सिक्का गला दिया सिक्के की कीमत कितनी अंकित मौद्रिक इसका अंकित मूल्य कितना या मौद्रिक मूल्य कितना एक रुपये धातु कितने की होगी समय के साथ उसमें दो रुपये की तो लोगों ने गला के उसकी धातु बना ली और कामों में ले ली तो इससे बचने के लिए आजकल जो सरकार बना रही है वो पूर्ण काय मुद्रा शायद नहीं बना रही कंप्लीट पूर्ण काय मुद्रा नहीं है दो रुपये में लेकिन जैसे अंग्रेजों ने एक चांदी का सिक्का चलता था इंग्लिश पीरियड में जब अंग्रेजों का राज था आठ उन्नीस सौ से पहले तो उस सिक्के में उस सिक्के की कीमत एक रुपया थी उसमें एक रुपये में जितनी चांदी बाजार में आती थी उतनी चांदी उस सिक्के में लगी हुई थी वो चांदी का ही सिक्का था उस जमाने में मंदा जमाना था समझ आई आपको ये बात तो ऐसी कहलाती है पूर्ण का मुद्रा जैसे मान लीजिए पाँच का नोट की बात करूँ पाँच के नोट में जो कागज़ लगा है वो पाँच सौ का नहीं है यदि मैं उसको गला दूँ उससे कागज निकालना चाहूँ तो कितने रुपए का कागज़ निकलेगा पाँच सात पैसे का दो पैसे पाँच पैसे सात पैसे इतना ही कागज निकलेगा जबकि उसका आ, तो इसका मतलब उस, उसका मान लीजिए सात पैसे का कागज निकाल निकलता है रद्दी में तो उसका वस्तु मूल्य कितना है सात पैसे पाँच सौ रुपये के नोट का और मौद्रिक मूल्य कितना है पाँच सौ रुपये तो फर्क हो गया दोनों में इसका मतलब पाँच सौ रुपये का नोट पूर्ण काय मुद्रा नहीं है समझ आई बात चलिए जी नेक्स्ट इज साख मुद्रा क्रेडिट मनी यह वह मुद्रा है जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है जैसे हमारे नोट ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको पांच सौ रुपए का कागज कितने पैसे का सात पैसे का मूल्य कितना पांच सौ तो मौद्रिक मूल्य कितना हो गया इसका पांच सौ और वस्तु मूल्य कितना सात पैसे तो वस्तु मूल्य से मौद्रिक मूल्य ज्यादा है इसलिए इसको हम कहते हैं साख मुद्रा केवल क्रेडिट है पांच सौ रुपए सरकार ने कह रखा है इसलिए वो पांच सौ रुपए है यदि किसी एक रुपए के सिक्के को सरकार मना कर देती है चलन से बाहर है है ना नोटबंदी में बंद कर देती है तब भी उसमें एक रुपए की धातु तो लगी हुई है ना तब हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा और एक हजार का नोट जैसे Uh, सरकार ने डीमोनेटाइजेशन में विमुद्रीकरण में बंद कर दिया था तो उस एक हजार रुपये में उसका मैं कागज बनाना चाहूँ तो दो पैसे का कागज बनेगा तो मुझे नुकसान होगा तो साख मुद्रा समझ आ गई तो कौन कौन सी मुद्रा हो गई बेटा जी मुद्रा के कौन कौन से आदेश मुद्रा जो सरकार के आदेश से जारी होती है दूसरी मुद्रा न्यास मुद्रा जो अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास पर आधारित है तीसरी पूर्ण काय मुद्रा अर्थात उसका मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य दोनों बराबर होते हैं इसका एग्जाम्पल हो गया सिक्के न्यास मुद्रा का एग्जाम्पल क्या हो गया चेक चौथी मुद्रा साख मुद्रा इसका एग्जाम्पल नोट क्लियर हो गई बात अच्छा अब इसी में एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं यही वाली चलिए अभी डिस्कस करते हैं फिर भूल जाएंगे नोट में नोट समझते हो नोट क्या होता है चलिए इसको वीडियो को बीच में पोज करके और आप लोग एक नोट निक, निकाल के देखो जरा है ना पोज कर लेना और एक नोट निकाल के देखना कोई भी दस का हो बीस का हो पांच का हो सौ का हो दो हजार का हो कोई सा भी नोट निकाल लेना उस नोट पे आपको एक चीज लिखी मिलेगी एक चीज सब में कॉमन मिलेगी सारे नोट में कॉमन मिलेगी एक तो मिलेंगे गवर्नर आर के सिग्नेचर के हस्ताक्षर दूसरा दूसरी चीज़ क्या लिखी मिलेगी भाई ऊपर एक लाइन लिखी मिलेगी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मैं धारक को जितने रुपए का वो नोट है पांच सौ रुपए का नोट है तो आपको लिखा मैं धारक को पांच सौ रुपए देने का वचन अदा करता हूँ इस तरह की कुछ लाइन लिखी मिलेगी उस लाइन का क्या अर्थ है हर एक नोट पे लिखी हुई है वो वो लाइन लिखी हुई है इसीलिए वो नोट है इसीलिए उसको नोट कहते हैं वो नोट ही लिखा हुआ है तो उसका अर्थ ये है कि वास्तव में हमारी मुद्रा रुपया है और कायदे से पूरे भारत में एक रुपया चलना चाहिए बस एक रुपये का नोट या सिक्के एक रुपये का नोट चलना चाहिए ये वास्तव में हमारी मुद्रा है जो एक रुपए का नोट है इसीलिए इस पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं सरकार के है ना इसीलिए तो वित्त सचिव के सिग्नेचर हैं क्योंकि हमारी मुद्रा वास्तव में एक रुपया है रुपया है अब समस्या कहाँ आएगी मान लीजिए मैंने एक रुपये की कोई टोफी खरीदी मैंने उसको एक रुपया दे दिया चलिए जी ठीक है भारतीय मुद्रा है रुपया मैंने उसको दी टोफ़ी ले ली पचास रुपये की कोई चीज़ ली मैंने तो ब्रेड ली पचास रुपये की तो ब्रेड के लिए मुझे पचास रुपये एक एक के पचास नोट देने पड़ेंगे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा गिनने में और मान लीजिए मुझे मोटरसाइकिल लेनी है एक लाख रुपए की मोटरसाइकिल है तो एक लाख नोट देने पड़ेंगे एक एक के और समस्या बढ़ जाएगी फ्लैट लेना है मकान लेना है प्लॉट दुकान प्रॉपर्टी लेनी है चालीस लाख पचास लाख एक करोड़ की भी आती है तो अब मुझे क्या देना पड़ेगा एक एक रुपए के एक करोड़ नोट देने पड़ेंगे बहुत झंझट हो जाएगा एक करोड़ एक एक रुपए के नोट में भर के ले जाने पड़ेंगे टेम्पो थ्री व्हीलर चाहिए अगर पैसे ही ले जाने के लिए बोरियों में भर के ले जाने पड़ेंगे तो इस समस्या से बचने के लिए बहुत सारे नोट छापने पड़ेंगे सरकार को सरकार ने क्या किया एक पांच सौ रुपए का नोट छाप दिया अब ये एक एक रुपए इस नोट का अर्थ है कि भाई ये नोट आप कभी भी रिजर्व बैंक में ले जाओ आप उनसे कहो कि भाई ये तो कागज का टुकड़ा है ये तो नोट है मुझे तो मुद्रा ही चाहिए तो रिजर्व बैंक धारक का मतलब है जिसके पास ये नोट है है ना जो मैंने आपको बताया मैं धारक को पाँच सौ रुपये देने का वचन अदा करता हूँ ये एक उन्होंने एक कमिटमेंट किया हुआ है कि जो जिसके पास भी ये पाँच सौ का नोट होगा उस व्यक्ति को हम पाँच सौ रुपये इसका मतलब एक एक के नोट पाँच सौ देने के लिए वचनबद्ध हैं तो इसी के कारण पाँच सौ रुपये की कीमत पाँच सौ रुपये है ये मुद्रा नहीं है हमारी ये तो नोट है मुद्रा हमारी कौन सी है एक रुपया ये जो रुपया है जिसपे वित्त सचिव के साइन है ये तो केवल रिजर्व बैंक ये कहता है कि भाई मैंने हम देने को तैयार हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के मैं आपको लिख के दे दूं कि भाई मैं आपको आप आपसे मैं कोई सौ रुपये की चीज़ लेऊं और आपको लिख के दे दूं कि भाई सौ रुपये मैं आपको कल दे दूंगा आप कहो जी मुझे तो विश्वास नहीं आप लिख के दे दो और मैंने कागज़ पे लिख के दे दिए कि मैं आपको सौ रुपये कल पक्का दे दूंगा तो वो कागज़ आप मुझे दिखा के कह सकते हो कि भाई आपने वादा किया था आपको देने पड़ेंगे ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ऐसा ही एक तरह का चेक है रिज़र्व बैंक का आप कह सकते हैं एक तरह का चेक है जैसे चेक वाले को मैं एक हज़ार रुपये का मैंने चेक दिया आपको और आप उस चेक को देख के चेक पे पढ़ के एक हज़ार रुपये इसका मतलब मैं आपको एक हज़ार रुपये देने के लिए तैयार हूँ जब आप बैंक जाएंगे बैंक वाले आपको एक हज़ार रुपये दे देंगे ऐसे ही रिजर्व बैंक ने पाँच सौ रुपये का नोट एक तरह का पाँच सौ रुपये का चेक है जो कभी मेरे पास है मैंने आपको दे दिया आपसे विश्वास पे चल रहा है आपने किसी और को दे दिया तो ये नोट घूमता रहता है जो भी व्यक्ति रिजर्व बैंक जाएगा रिजर्व बैंक इस बात के लिए बाध्य है कि वो रुपये के पाँच सौ आपको वो देगा समझ आई नोट और रुपये में फर्क इसीलिए जितने भी नोट हैं उन पर रिजर्व बैंक के सिग्नेचर होते हैं एक रुपये पर एक रुपये की मुद्रा पर वित्त सचिव के साइन होते हैं और इसीलिए हमारी मुद्रा केवल एक रुपया है जो एक रुपये का नोट है वो हमारी मुद्रा है बाकी सब नोट हैं मुद्रा के लिए सहायक चीज़ें हैं चलिए जी ये सारी बातें हो गई अब हमारी चार तरह की हमने मुद्रा के रूप पढ़ लिए, फॉर्म्स ऑफ मनी चार तरह का पढ़ा इसके बाद बात करें हम मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की पूर्ति का अर्थ है यह एक स्टॉक की अवधारणा है स्टॉक और फ्लो स्टॉक और प्रभाव आपको ध्यान आ रहा है हमने पढ़ा है कहां पढ़ा है याद करो याद करो जल्दी से नेशनल इनकम वाली फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही है फर्स्ट वीडियो में ही है शायद नेशनल इनकम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है स्टॉक और फ्लो स्टॉक का अर्थ है समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली चीज और प्रवाह का मतलब है समय के एक काल में नापे जाने वाले है ना स्टॉक का जैसे छ बजे या आज की डेट में आपके बैंक के खाते में कितने पैसे हैं ये स्टॉक इससे अभिप्राय स्टोक से अभिप्राय समय के एक निश्चित बिंदु पर स्टोक का तो अर्थ ये हो गया अब मुद्रा की पूर्ति का की परिभाषा क्या होगी मुद्रा की पूर्ति का अभिप्राय समय के एक निश्चित बिंदु पर देश के लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है अर्थात आज की डेट में हमारे देश के लोगों के पास कुल कितने पैसे हैं वो कहलाएगी मुद्रा की पूर्ति इज इट क्लियर कल हो सकता है पैसे कम या ज्यादा हो जाए हो सकता है मुद्रा की पूर्ति कल को बढ़ जाए या कम हो जाए और ये मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण भी कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि समय के एक निश्चित बिंदु पर देश के लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से अभिप्राय मुद्रा की पूर्ति से है आप कैसे नापते हैं इसको हम मुद्रा की पूर्ति का माप जैसे मान लीजिए हमें आज मुद्रा की पूर्ति नापनी है कितनी है तो जनता के पास करेंसी वाणिज्यिक बैंकों के पास मांग जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं इन तीनों चीज़ों को हम यदि जोड़ लें कौन कौन सी चीज़ें जनता के पास कुल करेंसी कितनी है कुल मुद्रा कितनी है लोगों की जेब में है ना घर में जेब में वाणिज्यिक बैंकों वाणिज्यिक बैंक व्यावसायिक बैंक, बैंक कॉमर्शियल बैंक जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक कॉरपोरेशन बैंक ये सारे बैंक वाणिज्यिक बैंकों के पास आपकी मांग जमाएँ मांग जमाएँ क्या होती हैं अभी पढ़ेंगे हम रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएँ जो आपकी अन्य जमाएं रिजर्व बैंक के पास इन तीनों को यदि हम जोड़ लें तो उसको हम कहेंगे मुद्रा का कुल मुद्रा कितनी है आज की डेट में तो एक फ़ार्मूला बन गया बेटा जी हमारा हुँ? ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आप इसको याद कर लें नोट कर लें ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि मुद्रा की पूर्ति की परिभाषा दीजिए तथा इसका सूत्र लिखिए चलिए अभी हमने इसमें पढ़ा मांग जमा तो मांग जमा क्या होती है वाणिज्यिक बैंकों में वे जमा जिनको मांगने पर चेक द्वारा या तो निकलवाया जा सकता है या किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है आपके बैंक में जो आपके खाते में पैसा जमा है वो दो तरीके से हो सकता है एक तो होती है मांग जमा एक होती है साविधिक जमा फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं जिसको जिसको आपने एक साल की एफडी करा दी जी फिक्स डिपॉजिट कर दिया मैंने तो अब आप एक साल से पहले उस पैसे को नहीं निकाल सकते वो अकाउंट इसमें नहीं होगा मांग जमा में मांग जमा में क्या अकाउंट होगा कि जिनको आप सीधे सीधे बैंक में जाके निकलवा सकते हैं कभी भी चेक दे या डायरेक्ट निकलवा सकते हैं और या किसी को चेक दे किसी दूसरे के खाते में भेज सकते हैं वो कहलाती है मांग जमा समझ आई बात अभी बात कर रहे थे हम वाणिज्यिक बैंक वाणिज्यिक बैंक कौन से होते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं वाणिज्यिक बैंक वो संस्था हैं वह संस्था है जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करने और ऋण देने के निवे ऋण देने और निवेश करने का कार्य करती है बैंक करता क्या है भाई इतने आपके पैसे भी सुरक्षित रख रहा है वो आपसे पैसे बल्कि उल्टा ब्याज देता है और अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी देता है ऐसा क्यों कर रहा है अभी लाभ कमाने के उद्देश्य से कैसे लाभ कैसे कमाता है एक मोटी सी बात करता हूं मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए बैंक वालों के पास एक हज़ार रुपये बैंक वालों के पास एक हज़ार रुपये आप जमा करके आए या छोटा एग्जांपल ले लूँ सो रुपये ले लूँ बैंक वालों के पास कितने रुपए जमा किए आपने सौ रुपए। ये सौ रुपए मान लीजिए आपने एक ए, एक महीने के लिए जमा किए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि फिर कैलकुलेशन में दिमाग लग जाता है तो हम समझ नहीं पाते तो ये सौ रुपये कितने दिन के लिए जमा किए एक महीने के लिए ये आप एग्जांपल इसका वो ले लो एक साल के लिए एक वर्ष के लिए जमा कर दिए मान लीजिए बैंक कहता है कि भाई हम आपको सात प्रतिशत का ब्याज देंगे इंटरेस्ट देंगे तो एक साल बाद आपको कितने रुपए देगा बैंक एक सौ सात रुपये ऐसा ही है भाई सौ रुपये आपके अपने और सात रुपये ब्याज के अब बैंक क्या करेगा भाई एक साल तक इनको अपने पास रखे रखेगा रखे तिजोरी में तो क्या कुछ होगा बैंक का बैंक को एक साल में तिजोरी में रखे रखे तो ये बढ़ नहीं जाएंगे कुछ या बढ़ जाएंगे तिजोरी में रखे रखे तो सौ रुपये एक सौ सात नहीं हो जाएंगे ना सो ही रहेंगे और उसे अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी देनी है बैंक में एसी भी चल रहा है और भी दुनिया भर के कंप्यूटर चल रहे हैं बिजली का भी खर्च है मेंटेनेंस है बैंक का जहाँ जिस बिल्डिंग में उसका किराया भी देना है बहुत सारे खर्चे हैं वो खर्चे जेब से करेगा इसके लिए बैंक ने क्या किया कि इन सौ रुपये को किसी को उधार दे दिया क्या कर दिया बेटा जी उधार दे दिया और जिसको लोन दिया है उससे क्या कह दिया कि भाई 12 प्रतिशत पे मिलेगा लोन किस पे दिया 12 प्रतिशत पे तो एक साल बाद कितने पैसे लौटाने होंगे उसको एक सौ ऐसा ही होगा अब बैंक ने क्या किया एक साल बाद की कहानी एक साल बाद एक सौ रुपये बैंक के पास आए उसमें से एक सौ रुपये आपको लौटा दिए क्योंकि आपके सौ रुपये जमा थे सात रुपये ब्याज के बन गए रुपए कितने बचे बैंक के पास पाँच रुपये इससे वो अपना कर्मचारियों की मान लीजिए उसका जो टोटल खर्चा है इन सौ रुपये पे तीन रुपये का उन पर उनका खर्चा आ गया तीन रुपये जो मैंने बैंक के अपने खर्चे बताए कर्मचारियों की तनख्वाह बिजली और बिल्डिंग का किराया और स्टेशनरी वगैरह तीन रुपये का उनका खर्चा आया तो इस सारे ताम जाम में बैंक को सौ रुपये पर कितने रुपये बच गए बेटा जी दो रुपये है ना आपको ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है बेटा मैंने ये मत सोचना दो रुपये के लिए बैंक वाले इतना झंझट करेंगे या तीन रुपये में सारा खर्चा कैसे चल जाएगा अरबों खरबों का व्यापार होता है एक बैंक का पूरे साल का तो उसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे यदि सौ रुपये पे दो रुपये बच रहे हैं तो बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा बैंक को क्लियर बात अभी और ये कैसे कैसे घुमाते हैं सौ रुपये ऐसे कैसे जाएंगे क्या करेंगे है ना कैसे प्रॉफिट कमाते हैं वो अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी तो फ़िलहाल तो हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया है तो बैंक के दो मुख्य कार्य होते हैं पहला कार्य जमा स्वीकार करना पहला काम क्या जमा स्वीकार करना कोई भी बैंक में अपना खाता खोल सकता है और खाता खोलने के बाद वो उसमें पैसे जमा कर सकता है तो बैंक आपसे जो भी आप पैसा जमा करना चाहेंगे वो जमा स्वीकार करेगा बैंक जनता से जमा स्वीकार करता है लोग अपने नकदी को या तो चेक जमाऊं या गैर चेक जमाओं के रूप में जमा करते हैं कई बार मैं अपने खाते में क्या करता हूँ कैश ले जाके जमा कर देता हूँ जी मेरे एक हज़ार रुपये खाते में जमा कर लो या मुझे किसी ने कोई चेक दिया मुझे उससे पैसे लेने थे उसने पैसे देने के बजाय कैश पैसे देने के बजाय मुझे क्या कर दिया चेक दे दिया वो चेक मैंने अपने खाते में जमा कर दिया तो बैंक क्या करेगा उसके खाते में से वो एक हज़ार रुपये माइनस कर देगा मेरे खाते में एक हज़ार रुपये प्लस कर देगा अर्थात मेरे खाते में एक हज़ार रुपये बढ़ गए तो बैंक हमारी जमा स्वीकार करता है पहला बैंक का पहला कार्य कोई भी संस्था जो बैंक है वो दो काम पक्का करेगी जरूर करेगी यदि वो ये दोनों काम नहीं कर रही है तो वो बैंक नहीं कहलाएगी पहला काम कौन सा जमा स्वीकार करना दूसरा काम अच्छा ये जमा मैंने आपको बता दी जमा दो तरह की चेक जमा वे जमा जिन्हें किसी भी समय चेक जारी करके निकलवाया जा सकता है मैंने जाके बैंक में एक हज़ार रुपये का चेक दिया और मुझे एक हज़ार रुपये वापस मिल गए या मैंने आपको चेक दे दिया आपने अपने खाते में जमा करवा दिया मेरे खाते से एक हज़ार गैर चेक जमा गैर चेक जमा कौन सी होती हैं जिन्हें चेक जारी करके नहीं निकलवाया जा सकता जो मैंने अभी आपको बताया था ये कौन सी होती हैं फिक्स डिपोजिट एक निश्चित समय अवधि के लिए कोष के रूप में अपने पास रखता है इस पर थोड़ा सा वो ब्याज ज़्यादा दे देता है तो हम दो तरह का अपना पैसा जमा रखते हैं मांग जमा या चेक जमा के रूप में और दूसरा गैर चेक जमा या फिक्स डिपॉजिट साविधिक जमा के रूप में दूसरा बैंक का कार्य पहला बैंक का कार्य क्या हो गया बेटा जी जमा स्वीकार करना दूसरा बैंक का कार्य है ऋण देना क्या कार्य है बैंक लोन देते हैं एडवांसिंग लोन्स वाणिज्यिक बैंक उत्पादकों को निवेश के लिए तथा उपभोक्ताओं को उपभोग व्यय के लिए वह ये बेटा शब्द गलत बना हुआ है ये भी गलत बना हुआ है ये प्रिंटिंग मिस्टेक पीडीएफ बनाते समय हो जाती है ये वह ऐसे लिखा जाएगा बेटा जी ऋण देते हैं यह ऋण जमानत के आधार पर दिए जाते हैं बैंक कुछ सामान आपका कुछ प्रॉपर्टी गिरवी उसके पेपर्स गिरवी रख लेता है और उसके बदले में आपको लोन दे देता है समझते ही होंगे लोन कैसे मिलता है लोन किस लिए लेते हैं या तो हम अपना उपभोग के लिए लोन लेते हैं कि भाई मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है अपने यूज के लिए मैंने बैंक से लोन ले लिया या निवेश के लिए निवेश का मतलब है मुझे कुछ अपना फैक्ट्री में आ, कुछ बड़ी फैक्ट्री को बड़ी या नया उद्योग शुरू करना है या पुराने उद्योग को और बड़ा करना है अर्थात उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसको हम कहते हैं निवेश कुछ मशीन खरीद ली फैक्ट्री के लिए उसके लिए जो उत्पादक हैं बैंक से लोन लेते हैं अब ये दोनों गुण ये दोनों कार्य कौन कौन से पहला कार्य है जमा स्वीकार करना दूसरा कार्य है ऋण देना ये दोनों कार्य यदि कोई संस्था नहीं कर रही दोनों में से एक भी कार्य नहीं कर रही तो वो पक्का बैंक नहीं है फॉर एग्जाम्पल जैसे पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट होता है ना लेकिन उसको हम बैंक नहीं कहते पोस्ट ऑफिस बैंक नहीं है क्योंकि यह लोगों को जमा लोगों की जमा तो स्वीकार करता है खाता खुलवा सकता हूँ मैं पोस्ट ऑफिस में वो मेरे पैसे जमा कर लेता है जब मुझे ज़रूरत होती है वो निकाल के भी दे देता है परंतु पोस्ट ऑफिस लोन नहीं देता मैं पोस्ट ऑफिस में जाऊँ जी मुझे एक लाख रुपए का लोन चाहिए तो पोस्ट ऑफिस वाले मना कर देंगे नहीं जी हम लोन नहीं देते इसीलिए पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस केवल एक कार्य करता है कौन सा जमा स्वीकार करने का लेकिन लोन देने का या ऋण देने का कार्य नहीं करता इसलिए पोस्ट ऑफिस बैंक नहीं है इसी प्रकार एलआईसी संस्था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को भी बैंक नहीं कहा जा सकता क्योंकि एल लोन तो देती है ऋण तो देता है एलआईसी संस्था परंतु मांग जमा स्वीकार मैं कल को खाता खुलवाना चाहूँगा एल आई सी में कि चाहे जब मैं पैसे जमा करवा दूँ चाहे जब मैं पैसे निकाल लूँ तो ऐसी सुविधा मुझे नहीं देता लोन दे देता एल आई सी के पास मैं जाऊँ कि मुझे मकान खरीदना है भाई ऐसे ऐसे लोन लेना है तो लोन के लिए हाँ भर लेंगे हाँ जी ले लो लोन तो एल आई सी क्या कर रही है केवल ऋण देती है कौन सा काम नहीं कर रही मांग जमा स्वीकार नहीं करती इसलिए बैंक नहीं है पोस्ट ऑफिस क्या कर रहा है मांग जमा तो स्वीकार करता है लेकिन ऋण नहीं देता इसलिए पोस्ट ऑफिस भी बैंक नहीं है अर्थात किसी भी संस्था को बैंक कहलाने के लिए ये दोनों कार्य करने आवश्यक हैं दोनों कार्य कौन कौन से मांग जमा स्वीकार करना और ऋण देना ये दोनों कार्य कोई नहीं कर रहा तो निश्चित रूप से बैंक नहीं है चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन है ना मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इस साल भी इसमें से क्वेश्चन आया था इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसीलिए मैंने थोड़ा सा आगे बताऊंगा कुछ अलग भी लिखा है इसमें वाणिज्यिक बैंक जनता से जमाएं प्राप्त करते हैं समझ गए होंगे आप ऊपर पढ़ लिया हमने इन जमाओं का उपयोग ऋण देने के लिए करते हैं परंतु बैंकों द्वारा दिए गए ऋण बैंकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक जमाओं से कई गुना अधिक होते हैं तो बैंकों के इस कार्य को मुद्रा सृजन कहते हैं, ठीक है? है? आ, यहां, से यहां तक की परिभाषा हो गई बेटा जी का मुद्रा का सृजन या मुद्रा सृजन की यहां मैंने एग्जाम्पल जो दिया था आपको अभी बात करी थी सौ रुपये वाली बात के भाई आ, अच्छा वो मैंने हटा दिए वो दो जिसमें लाभ आया था बैंक ने वही बैंक में आप सौ रुपये जमा करवा के आए एक साल के लिए एक साल बाद एक सौ सात रुपये आपने ले ली आपको दे दिए बैंक ने लेकिन बैंक ने क्या किया था वो बारह परसेंट पर किसी और को लोन दे दिया था तो एक बारह रुपये कमा लिए सात रुपये आपको दे दिए उसमें से ऐसा किया था ना लेकिन वहाँ उस एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा था सौ रुपये आपसे लिए सौ ही रुपये आगे लोन दे दिया एक मोटा सा एग्जाम्पल आपको केवल समझाने के लिए था वो ऐसा नहीं करते सौ रुपये प्रारंभिक जमा शुरू में किसी व्यक्ति ने सौ रुपये जमा करवाए और वो लोन कितने का दे दिया उसने पाँच सौ रुपये का कितने रुपये जमा करवाए सौ रुपये लोन कितने का दे दिया बेटा पाँच सौ रुपये का लग रहा है कुछ संभव सी बात चमत्कार सा लग रहा है ना जादू सा लग रहा है बैंक के पास रुपये आए सौ लोन दे रहा है पाँच सौ का भाई लोन वाले को कहाँ से दे देगा चा सौ रुपये तो वही दे देगा चलो पाँच सौ रुपये और कौन से दे देगा है ना चार सौ रुपये और भी तो चाहिए पाँच सौ रुपये लोन वाले को देने के लिए कहाँ से आएंगे उसको हम कहते हैं मुद्रा का सृजन अर्थात व्यापार के जमा हुए प्रारंभिक जमा के रूप में सौ रुपये और व्यापार कर दिया पाँच सौ रुपये का लोन बांट रहा है पाँच सौ रुपये का नहीं भाई तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे के कैसे विश्वास नहीं हो रहा होगा अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा अब इस मुद्रा सर्जन को पढ़ने के लिए हम कुछ चीजें मान्यताएं लेकर चलते हैं पहली मान्यता समस्त वाणिज्यिक बैंक एक ही इकाई है अर्थात स्टेट बैंक पंजाब नेशनल बैंक कॉरपोरेशन बैंक ऐसा मत मानो अलग अलग है एक मान के चलते हैं एक मान्यता के पूरे हिंदुस्तान में एक ही बैंक है ठीक है दूसरी मान्यता अर्थव्यवस्था में सभी प्राप्ति और भुगतान बैंकों के माध्यम से होते हैं अर्थात हमारे जितने भी लेन देन हैं या भुगतान हो वो सारे कहाँ से हो रहे हैं बैंकों के माध्यम से मुझे आपको एक हजार रुपए देने हैं तो मैं बैंक के थ्रू ही आपको दूंगा मुझे किसी से दस हज़ार रुपये लेने हैं तो बैंक के थ्रू ही वो पैसे लेऊंगा। चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं कैसे मुद्रा का सर्जन कैसे करते हैं तो बैंक में रखी जमा ऋण देने के लिए इस्तेमाल होती है हम पहले पढ़ ही रहे हैं समझ गए परंतु बैंक अपनी सारी जमाएं ऋण देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते बैंकों के लिए कानूनी तौर पर अपनी जमाओं का कुछ न्यूनतम हिस्से को कोष के रूप में अनिवार्य रखना अनिवार्य होता है इसे वैधानिक आरक्षित अनुपात लीगल रिजर्व रेशो एल आर आर कहते हैं भाई सौ रुपये आए बैंक में सौ ही रुपये अगले दिन उसने किसी को लोन दे दिए जो सौ रुपये जमा करवा के गया कल को दस रुपये निकलवाने चला गया बैंक कहाँ से देगा पैसा नहीं देगा ना बैंक वाला ये कह देगा भाई मैंने तो उधार दे दिए किसी को ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि आपका पैसा है आप चाहे जब निकलवा सकते हैं ये बैंक आपको गारंटी देता है इसी के लिए इसी कारण से क्या होता है कि अपनी सारी जमाएँ ऋण देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते उसमें से कुछ पैसा न्यूनतम आवश्यकता के रूप में अपने कोष के रूप में रखना ज़रूरी होता है रिजर्व बैंक इनसे कहता है और कितना रखना जरूरी है उसको हम कितने परसेंट रखना है उसको हम कहते हैं वैधानिक आरक्षित अनुपात या लीगल रिजर्व रेशो इसको शॉर्ट में एल आर आर लीगल रिजर्व रेशो कहते हैं तो एल आर आर की डेफिनेशन समझ आ गई है माना एल आर आर बीस परसेंट है इसका अर्थ क्या हुआ कि सौ रुपए यदि बैंक के पास आते हैं तो बैंक केवल अस्सी का लोन देगा बीस रुपये उसे बैंक को अपने चेस्ट में अपनी तिजोरी में अपने पास रखने जरूरी हैं कल को कोई मांगने आ जाए तो पैसा उसको कुछ दे सकें बैंक की प्रारंभिक जमाएं एक हज़ार रुपये हैं मान लीजिए अब नया एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ये माना एल आर आर बीस परसेंट है प्रारंभिक जमा शुरू में कोई व्यक्ति कितने पैसे जमा करवा के आया एक हज़ार रुपये अब ध्यान रखना भाई नया एग्जाम्पल शुरू हो गया एक हज़ार रुपये से ही एग्जाम्पल काम चलेगा अब हमारा अब इसका क्या अर्थ हुआ एल आर आर बीस परसेंट का कि बैंक अपने नगद कोष के रूप में दो सौ रुपये रखने की आवश्यकता है एक हज़ार का बीस प्रतिशत कितना हो गया दो सौ रुपये और यह आठ सौ रुपये को उधार देने के लिए स्वतंत्र है ऐसा ही हुआ ना रिज़र्व बैंक ने एल आर आर बीस परसेंट फिक्स कर रखी है तो इसका अर्थ हुआ कि भाई दो एक हज़ार रुपये यदि आपके पास जमा हुए तो दो सौ रुपये आपको रखना पड़ेगा अपने पास और आठ सौ रुपये आप उधार दे सकते हैं अब बैंक क्या करेगा बैंक ने मान लिया आठ सौ रुपये का ऋण दिया अब ऋण कैसे देता है बैंक परंतु बैंक इस पैसे को नगद राशि के रूप में नहीं देते बैंक से जब भी आप लोन ले लोगे तब क्या करेगा बैंक ये कहेगा कि ठीक है आपका लोन तो पास हो गया लेकिन आप खाता खोल लो आपके खाते में पैसे जमा करेंगे बल्कि यह ऋण लेने वाले के नाम से खाता खोलते हैं और उस खाते में यह राशि जमा कर देते तो जिसने ऋण लिया है जो जो लोन ले रहा है उसका खाता खुला या तो पहले से ही होगा नहीं होगा तो उसको खोलना पड़ेगा अब उस खाते में उसने आठ सौ रुपये जमा कर दिए क्लियर हो गई बात किसने जमा कर दिए बैंक वाले ने लोन आठ सौ रुपये का था तो आठ सौ रुपये उसके खाते में डाल दिए भाई जब तुझे ज़रूरत हो निकाल लेना अब क्या करता है एक टेबल भी है बेटा जी इसमें वो टेबल हम साथ साथ लेके चल रहे हैं यहां समझ लीजिए प्रारंभिक जमा कितनी थी बेटा एक हजार रुपये कोई व्यक्ति जमा करवा के गया एल आर आर कितना है बीस प्रतिशत तो ऋण कितना देगा बैंक आठ सौ रुपये क्लियर कितना रखना पड़ेगा उसको एक हजार का बीस प्रतिशत दो सौ यहाँ तक की बात हमने पढ़ ली अब ये आठ सौ रुपये भी क्या कर रहा है बैंक सीधा सीधा उसको कैश नहीं दे रहा लोन लेने वाले को क्या कर रहा है उसका खाता खोलेगा उसके खाते में जमा करेगा इसका मतलब ये आठ सौ रुपये यहाँ पर आ जमा हो गए खाते में अब बैंक से हम पूछें भाई टोटल कितने पैसे जमा हैं तुम्हारे पास तो बैंक यहाँ क्या कहेगा कि जी एक हज़ार रुपये ये जमा है आठ सौ रुपये ये जमा है कितने रुपये जमा हो गए अट्ठारह सौ ऐसा ही हुआ ये आठ सौ भी जमा हो गए ये आठ सौ कौन से इन एक हजार के पैसे एक हजार रुपए के ही घूम के आ रहे हैं ना ये आठ सौ अब ये आठ सौ रुपए में से अब बैंक के पास फिर एक नई जमा आ गई कितने रुपए आठ सौ रूपये अब इन आठ सौ का क्या करेगा बैंक अच्छा इससे पहले एक चीज पढ़ लेते हैं मान लीजिए ऋण लेने वाले व्यक्ति ने माना आठ सौ रुपए की सारी राशि भुगतान के लिए निकाल ली बैंक जिसने लोन लिया है कुछ, कुछ ज़रूरत होगी पैसे की तभी तो लोन लिया तो वो क्या करेगा वो आठ सौ रुपये निकाल लेगा समझ आई बात फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल सा आपकी डेली लाइफ का लेके चलते हैं कि आपके पापा ने मोटरसाइकिल के लिए लोन लिया और वो जो आठ सौ रुपये थे वो लोन के रूप में क्योंकि मोटरसाइकिल ख़रीदनी है तो उसको देने एजेंसी वाले को आठ सौ रुपये निकाल लिए और निकाल के खाते में जमा हुए थे खाते में से निकाल लिया आठ सौ रुपए किसको ले जाकर दिए एजेंसी वाले को है ना जो सामान लिया था मोटरसाइकिल जो भी कुछ लिया था अब हमने एक मान्यता मानी थी कि सारे सौदे कैश में नहीं होगा सारे सौदे कैसे होंगे लेन देन बैंकों के माध्यम से होगा अर्थात ये आठ सौ रुपए आप क्या करेंगे <coughs> बोलो क्या करोगे आठ सौ आपके पापा उसको एजेंसी को चेक के रूप में देंगे उसके खाते में डाल देंगे परंतु जैसे कि मान्यता है सभी सौदे बैंक के माध्यम से होते हैं तो ऋणी द्वारा ऋणी मीन्स जिसने लोन लिया है मीन्स आपके पापा जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं के द्वारा व्यक्ति को भुगतान की गई राशि उसके खाते में जमा के रूप में पुनः बैंक में आ जाती है आपके पापा ने क्या किया चेक दे दिया या उनके खाते में जमा कर दिया आठ सौ रुपये तो पैसे तो बैंक में ही आ गए फिर घूम के लोन दे लोन दे दिया आठ सौ रुपये का आपके पापा का काम भी हो गया मोटरसाइकिल भी खरीद ली लेकिन पैसा कहाँ गया फिर बैंक में ही आ गया अतः बैंक की जमा वापस घूम बैंक में ही मांग जमा के रूप में आ जाती है समझ आ गई बात तो ये आठ सौ रुपये आ गए बैंक में अब बैंक क्या करेगा ये आठ सौ रुपये बैंक में आते बैंक ने एक नई बात शुरू कर दी कि भाई मेरे यहाँ आठ सौ रुपये मांग जमा के रूप में आ गए आठ सौ रुपये से क्या करेगा वो आठ सौ रुपये का बीस प्रतिशत कितना एक सौ साठ रुपये भाई इनको तो बीस परसेंट क्योंकि एल आर आर नकद एल आर आर ट्वेंटी परसेंट है तो एक सौ साठ रुपये तो हमें बैंक में रखने हैं बाकी कितने बचे बाकी बचे छः सौ चालीस छः सौ चालीस का फिर लोन दे दो भाई फिर लोन में यही कहानी बनेगी जिसको लोन देंगे उसके खाते में डालेंगे पैसे वो आदमी क्या करेगा सारे निकाल के किसी दूसरे दूसरे को पेमेंट करेगा वो पेमेंट घूम फिर के फिर बैंक में आएगी क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पहली मान्यता है सारे बैंक एक हैं वो 640 फिर बैंक में आ गए छः फिर मांग जमा के रूप में जमा हो गए इन बैंक वालों ने क्या किया 640 का कितने परसेंट 20 परसेंट कितना हो गया एक सौ फिर नकद को उसके रूप में अपने पास रख लो जी कितने पैसे बचे पाँच सौ इनको फिर खाते में उसके खाते में डाल दो जो कोई लोन ले रहा है फिर ये पाँच सौ बारह यहाँ आ जाएंगे इस तरह से चक्कर चलता रहेगा अर्थात कित अभी तक तीन यहाँ तक के चक्कर में कितना लोन दे दिया आठ सौ का एक व्यक्ति को दे दिया छः सौ चालीस का एक को दे दिया पाँच सौ बारह का एक को दे दिया और इसी तरह से चक्कर चलते हुए कितने का लोन दे देंगे चार हजार रुपए का कुल मांग जमाए एक हजार की कितनी बना ली इन्होंने पांच हजार पांच पांच रुपए। और नकद कोष के रूप में कितने एक हजार रुपए। अर्थात मांग जमाए पांच हजार रुपए, पांच हजार में से है ना पांच हजार पांच रुपए में से एक हजार रुपए इनके बैंक के खाते में है चार हजार रुपये लोन दे दिए जबकि प्रारंभिक जमा कितनी थी केवल एक हजार रुपये अर्थात एक हजार रुपये कोई बंदा बैंक में जमा करवा के गया था उसमें से इनके बैंक खाते में टोटल कितनी मांग जमाए हो गई पाँच हजार उसी एक हज़ार रुपये में से घुमा फिरा के कितने कितने रुपए का ऋण दे दिया चार हजार रुपये का लोन बांट दिया इनके बैंक खाते में बैंक में खुद के पास कितने पैसे हैं एक हज़ार रुपये और कुल रुपए कितने थे एक हज़ार है ना कमाल एक हजार रुपए बैंक में आए चार हजार रुपए का लोन बांट दिया एक हजार रुपये फिर भी बैंक में रखें यह कहलाता है मुद्रा का सृजन चलिए इसको एक बार बैंक आठ सौ रुपए की नई मांग जमा के साथ बीस प्रतिशत नकद कोष अपने पास रुपए एक सौ साठ रखकर शेष छः सौ चालीस उधार देते हैं ये हमने पढ़ लिया इसे ऋण लेने वाला व्यक्ति के खाते में डाल दिया जाता है जिसे वे निकाल कर भुगतान लेने वाले व्यक्ति के खाते में पहुँच जाता है इस प्रकार छः सौ चालीस दोबारा बैंक में मांग जमा के रूप में जमा हो जाते हैं इसी प्रकार यह चक्र आगे चलता रहता है अच्छा जी आप बेटा जी एक चीज़ देखो जरा ये तो मैंने कहानी बता दी कि एल आर आर बाई बीस प्रतिशत है।, है तो कितना कितना हो गया काम एल आर आर बीस प्रतिशत मांग जमा हो गई पाँच हज़ार एक हज़ार रुपये के लोन दे दिए इन्होंने चार हजार नगद कोश के रूप में बैंक में एक हजार रुपये रखे है ना लेकिन यदि मैं एल आर आर इसको मैं चेंज कर दूं दस प्रतिशत तो क्या कहानी होगी भाई तब इसका मतलब फिर ये नए सिरे से हमें रट्टा मारना पड़ेगा एक हज़ार रुपये के यहाँ कितने आएंगे क्योंकि दस प्रतिशत से यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ सौ रुपये रखने पड़ेंगे यहाँ कितने लोन दे सकते हैं नौ सौ रुपये अब इसका भी यहाँ भी नौ सौ रुपये इसका मतलब इसका टोटल भी ये चेंज हो जाएगा ये भी तो कितने रटेंगे इसके लिए एक फार्मूला देखते हैं जैसा कि तालिका में पहले पहले वाला क्वेश्चन है यही एक हज़ार रुपये प्रारंभिक जमा से पाँच हज़ार की कुल जमाओं का निर्माण कर करने में समर्थ हुए जिससे चार हज़ार रुपये ऋण दे दिए और एक हज़ार रुपये नकद कोष के रूप में अपने पास रख लिए एक हज़ार रुपये की जमा थी और कितनी मांग जमा बना ली इन्होंने पाँच हज़ार की तो अब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एलआरआर यदि 20 से 10 प्रतिशत हो जाए 20 प्रतिशत से कितनी होगी 10 प्रतिशत तो क्या होगा या और चेंज हो जाए कुछ भी चेंज हो जाए वो पढ़ते हैं साग गुणक मुद्रा गुणक है ना मनी मल्टीप्लायर अर्थात मन पैसे को कितने गुना बढ़ाएगा यहाँ कितने गुना बढ़ा इसमें पैसा पांच गुना ऐसा ही हुआ एक हजार के पांच हजार हुए ना तो यहाँ कितने गुना बढ़ेगा इसको एक फॉर्मूले से देखते हैं हम यह मुद्रा की राशि को मापता है जो बैंक अपने प्रारंभिक जमा की प्रत्येक मुद्रे की इकाई से साख सर्जित करने में समर्थ होते हैं साख निर्माण का वैधानिक एल से विलोम संबंध होता है फॉर्मूला हो गया साख गुणक बराबर वन अपॉन एल आर 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 या रिजर्व रेशो लीगल हमने अभी शॉर्ट में हटाई दिया तो के इज इक्वल टू वन अपॉन आर आर अर्थात मैं देखूं जब आर आर मेरा बीस प्रतिशत था तो एक बटा बीस प्रतिशत हो गया इसको सोल्व करूं एक बटा बीस और प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे सो लिखूंगा तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी इसका मतलब हो गया सौ बटे बीस कितना हो गया पाँच अर्थात के हो गया पाँच गुना अर्थात यदि एल आर आर या केवल आर आर बीस प्रतिशत है तो तो मांग जमाएं पाँच गुना साख मुद्रा पाँच गुना बढ़ जाएगी एक हज़ार का कितना बढ़ गया था पाँच हजार क्लियर बात यदि मैं कहूं कि आर आर दस प्रतिशत है तब क्या होगा भाई के इज इक्वल टू वन अपॉन आर 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 और एल आर आर एक ही बात है बेटा ये ध्यान रखना वन अपॉन्ट टेन परसेंट इज इक्वल टू वन अपॉन्ट टेन बाई परसेंट हटाएंगे तो नीचे हंड्रेड आएगा आगे चलूँ ये तीसरी संख्या है ऊपर चली जाएगी इन चीज़ों को एक बार में ही समझ लो बेटा भाई तो सौ बटे दस कितना हो गया दस गुना हु? अर्थात एक हज़ार रुपये के कितने हो जाएंगे दस हज़ार रुपये यदि मैं यहाँ एल आर आर दस प्रतिशत ले लेता आ, इसका मैं साइन निशान चेंज कर यदि मैं एल आर आर दस प्रतिशत ले लेता तो इनका टोटल कितना आता बेटा जी दस हजार रुपये ठीक हो गई बात उसमें से यहाँ कितने जमा होते एक हज़ार रुपये यहाँ कितने लोन दिया जाता नौ हज़ार रुपये अर्थात एल आर आर जितना कम होगा मुद्रा गुणांक उतना ही ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा पैसे बाँट सकेंगे हम और एल आर आर जितना कम होगा हम उतने ही पैसे ज़्यादा बाँटेंगे और लर एल आर आर जितना ज़्यादा होगा हम पैसे कम बांट पाएंगे एल आर आर बीस प्रतिशत था तो केवल पाँच गुना ही हम क्रिएट कर पाए साग का सृजन जब एल आर आर दस प्रतिशत था तो हम दस गुना कर पाए पाँच प्रतिशत पे लेके चलें एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं तो मैं और क्लियर हो जाएगा वन अपॉन आर आर वन अपॉन फाइव परसेंट अब की बार कितना ले रहा हूँ मैं एल आर आर कितना लिया मैंने पाँच प्रतिशत कितना हो गया ए सौ बटे पाँच हो गया अब मैं सीधा यहीं यहाँ आ गया आप, है ना बटे सौ लगाऊंगा परसेंटेज हटाऊंगा सौ को ऊपर ले जाऊंगा ये चीज़ें शॉर्ट में ले लो कितना हो गया बीस गुना एक हजार रुपए के कितने 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 हजार रुपये बना लेंगे कितना साग सृजन कर देंगे बीस हजार समझ आ गई तो एल आर आर जितना कम साख सृजन उतना ही ज्यादा क्लियर यदि आर आर टेन परसेंट है तो के इज इक्वल टू वही बता दिया दस गुना साग सर्जन होगा यदि आर आर बीस प्रतिशत है तो पाँच गुना होगा प्रा आप आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा जी अक्सर बोर्ड में कि जैसे इस साली बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि मान लीजिए एल आर आर दस प्रतिशत है तो बैंक के साख सर्जन बैंक अपनी मुद्रा का साख सर्जन कैसे करता है समझाइए तो बेटा जी ये आंसर यहाँ से एक तो साक्षर जन की परिभाषा आ जाएगी और यहाँ से लेके आंसर यहाँ तक इसका एज इट इज पढ़ लो समझ लो रटना नहीं है समझना है ये मैंने अलग से एक इसलिए लिखा है जो मैं आपको बता रहा था कि ये जिससे आपको लैंग्वेज लिखनी आ जाए केवल ये रटने के लिए नहीं बताया मैंने आपको मैंने केवल इतना कहा है कि इसको आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमें पेपर में कैसे लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी या इसके साथ एक टेबल भी बना दो ये वाली टेबल बन जाएगी है ना ये संख्याएं बदल जाएंगी इसके ये वाले टेबल एक तालिका की सहायता से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ में आप या इसको शब्दों में लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल माना प्रारंभिक जमा एक हज़ार रुपये और एल आर आर दस प्रतिशत है मैं एक बार पढ़ देता हूँ तब बैंक अपने पास जमा का दस प्रतिशत कितना सौ रुपये रिजर्व के रूप में रखेंगे तथा शेष राशि नौ सौ रुपये उधार दे देंगे जो मैंने यहाँ भी लिखी थी आपको नौ सौ रुपये लिखे थे ना ये सौ रुपये यहाँ रखे थे उधार लेने वाले व्यक्ति इस राशि को भुगतान के रूप में व्यय करेंगे और ये व्यय घूम फिर के कहाँ आएगा नई मांग नई मांग जमाओं के रूप में नई जमाओं के रूप में बैंकिंग व्यवस्था में वापस आ जाती है नौ सौ की राशि जो मैंने पहले समझाया था अब बैंक पुनः इस राशि को 10 प्रतिशत नब्बे रुपये अपने पास रिजर्व रखेंगे और शेष राशि 810 को उधार दे देंगे यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कुल रिजर्व आरंभिक जमा के बराबर नहीं हो जाते कुल साख निर्माण वही के वाला फार्मूला है बेटा जी है कितनी हो गई एक हज़ार की कितनी होगी दस हज़ार मैंने ऊपर टेबल में समझाई भी थी रुपये एक हज़ार की आरंभिक जमा कुल मुद्रा पूर्ति को दस हज़ार में बढ़ा देती है अतः व्यापारिक बैंकों द्वारा मुद्रा का निर्माण राष्ट्रीय आय को बढ़ा देता है नेशनल इनकम एक हज़ार की कितनी होगी दस हज़ार तो इसलिए राष्ट्रीय आय बढ़ गई चलिए जी ठीक है यहाँ तक का हम आज चैप्टर यहीं तक कम्प्लीट करते हैं आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी समझ आई होंगी ऐसा मुझे विश्वास है फिर भी कोई प्रॉब्लम है कोई चीज़ है तो आप आ, जो यूट्यूब लिंक है उसमें कमेंट्स में आप डाल सकते हैं पूछ सकते हैं कुछ और सुझाव है कोई आपको चेंज कराना है मेरे पढ़ाने के मेथड में किसी और तरह से चेंज कराना है तो आप उसमें सजेशंस दे सकते हैं वरना मेरा फ़ोन नंबर है आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स उस फ़ोन नंबर है ना वीडियो में मैंने बीच बीच में कुछ और वीडियो में डाले हुए हैं अपना फ़ोन नंबर तो आप उस फ़ोन नंबर पे यदि आप मुझे व्हाट्सएप नंबर है एक मैसेज करेंगे तो आप मैं मैं आपको ये नोट्स uh, भी जो इसमें मैं समझा रहा हूँ जिनके हेल्प से ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे भी भेज दूँगा चलिए थैंक यू आप सभी का दिन शुभ हो ओके थैंक यू